स्टूडेंट्स, लेट्स सी द एक्सरसाइज टू ऑफ द पेज नंबर 43. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. आपको जो ट्रू है उसके लिए ट्रू लिखना है और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है. एंड आल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, और जो फॉल्स है उसे करेक्ट करके भी लिखना है. लेट्स सी द बोर्ड एंड राइट दिस इन योर कॉपी. फर्स्ट, प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सॉयल. क्या प्लांट विदाउट सॉयल भी ग्रो कर सकता है? नो, इट इज रॉन्ग. राइट द फॉल्स. एफ फॉर फॉल्स. फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे बॉक्स में और इसको करेक्ट करके लिखेंगे. करेक्ट स्टेटमेंट इज प्लांट्स ग्रो ऑन द सॉयल. प्लांट्स सॉयल पर ग्रो करता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रो विदाउट सॉयल. अगर सॉयल नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. सेकेंड, क्ले सॉयल डज नॉट होल्ड मच वाटर. क्ले सॉयल ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता. दैट इज फॉल्स. एफ फॉर फॉल्स. राइट द एफ इन द बॉक्स एंड करेक्ट स्टेटमेंट इज क्ले सॉयल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर. क्ले सॉयल बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को होल्ड करके रखता है. थर्ड इज सॉयल कंटेन्स एयर एंड वाटर बोथ. सॉयल में एयर और वाटर दोनों होता है. यस, दैट इज ट्रू. टी फॉर ट्रू. राइट द टी इन द बॉक्स. एंड फोर इज द प्रेजेंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. डेड प्लांट और एनिमल्स की प्रेजेंस जो थी वो सॉयल फॉर्मेशन में को प्रभावित नहीं करती. दैट इज फॉल्स. एफ फॉर फॉल्स. एफ इज राइट इन द बॉक्स एंड ऑल्सो करेक्ट द स्टेटमेंट इज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. सॉयल के फॉर्मेशन में डेड प्लांट और एनिमल हेल्प करते हैं. अगर डेड प्लांट और एनिमल सॉयल में एड ना हो तो सॉयल फर्टाइल नहीं होगी, वहां प्लांट ग्रो नहीं करेगा. इसलिए पॉइंट फोर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट इज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. लास्ट एंड फाइव पॉइंट इज सैंडी सॉयल इज गुड फॉर ग्रोइंग मेज. क्या सैंडी सॉयल मेज की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है? यस, दैट इज ट्रू. टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट. राइट द टी इन द बॉक्स एंड राइट दिस इन योर कॉपी एंड लर्न इट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पुट द ऑड वन आउट गिविंग रीजन. लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. पुट द ऑड वन आउट गिविंग रीजन. फर्स्ट इज वाटर क्लाउड्स विंड रेन एंड आइस. विच इज ऑड इन दिस. Clouds are odd in these because it is formed by water, wind and dust particle, whereas these are hills of rock. Cloud क्या इसमें different है? क्योंकि cloud जो होता है water, wind और dust particle से बनता है, जबकि ये सभी क्या होते हैं? Formation of soil. Soil के formation में help करते हैं. Second is silt, sandy, clay, humus and fertilizers. Which is odd in this? Fertilizers are odd in this because it is a chemical substance added to the soil to make it fertile. Whereas these are present in the soil. Fertilizers chemical substance है जिसे हम add करते हैं soil में soil को fertile बनाने के लिए, जबकि these are present in soil. Soil में पहले से present होते हैं. Third is grainy, sandy, loamy, clay and silty. Which is odd in this? Grainy is odd in this because it is cereal, whereas these are types of soil. Grainy इसमें से different है क्योंकि grainy जो है वो दाने के लिए, अनाज के लिए यूज करते हैं, जबकि ये सब क्या है? Types of soil. Soil के प्रकार है. Okay? I hope you understand. Write this in your notes. And next exercise is give short answer.
your short answer. Write the questions from your book. Page number 43. Questions are present on your book. Write the questions in your book. Sorry. Write the questions from your book. Write it in your copy. Question number 1 is, what is soil made up of? Soil kis se bana hota hai? Soil is made up of rocks. Soil rock se bana hota hai. Question number 2, what is humus? Why is it important for the soil? Humus kya hai? Wo important kyun hai soil ke liye? Protein based of dead plants and animals are called humus. Beads of dead plants or animals ke jo बीज होते मिट्टी में दब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं ह्यूमस. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सॉइल. मेक द सॉइल फर्टाइल, ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं. इसलिए ह्यूमस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सॉइल. क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. Answer is sandy soil, silty soil, clay soil and loamy soil are different types of soil. Question number 4 is, what is the water contained in the soil called? Soil में जो water present होता है उसे क्या कहते हैं? Water contained in the soil is called moisture. Soil में जो water present होता है उसे क्या कहते हैं? Moisture. Question number 5, what is the use of air trapped in the soil? सॉयल में जो एयर ट्रैप्ड होता है उसका यूज क्या है? द यूज ऑफ द एयर ट्रैप्ड इन द सॉयल इज फिल्स द गैप्स बिटवीन द सॉयल पार्टिकल एंड अलाउज द प्लांट रूट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सॉयल टू ब्रीथ. यूज ऑफ द एयर ट्रैप्ड इन द सॉयल, सॉयल में जो एयर ट्रैप्ड होता है मतलब एयर बंधा होता है उसे क्या, वो क्या करता है? फिल द गैप बिटवीन द सॉयल, सॉयल पार्टिकल के बीच में जो छोटे छोटे गैप होते हैं उनको फिल करता है एंड यही एयर जो है अलाउ करता है प्लांट और एनिमल्स को क्या ब्रीथ लेने. ओके, राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आंसर दिस क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. लेट्स सी द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, see from your book. Question number 1 is, describe how soil is formed. Soil कैसे बनता है इसका वर्णन करना. Answer is, soil is formed from rocks over a long period of time. Rocks were broken down by wind, water, ice and rain. Rocks change into rock pieces and dead plants and animals. Also mixed in it rock piece becomes fine soil. Rocks in soil, soil is formed from rocks. Soil rocks से बनते हैं. Over a long period of time, लंबे समय तक. Rocks were broken down by wind. Rocks बड़े बड़े चट्टान जो थे वो wind, water, ice और rain, बारिश की वजह से ये temperature बार और water की वजह से, जैसे देखिए जब बहुत तेज पत्थर पर कड़ी धूप होती है उसके बाद rain हो जाए उस पर बारिश डाले पानी डालिए तो वो ठंडा और गर्म से क्या होता है क्रैक हो जाता है. इसी तरह से रॉक्स भी छोटे छोटे टुकड़ों में रेन वाटर और आइस की वजह से टूटते हैं. रॉक्स चेंज इनटू रॉक पीसेस, बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो मिक्स इन और डेड प्लांट और एनिमल से मिक्स हो जाता है. रॉक पीसेस बिकम फाइन सॉइल, तब ये रॉक पीसेस इसमें सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ विल यू सो दैट सॉयल कंटेन्स एयर. कैसे आप ये सो करेंगे कि सॉयल में एयर प्रेजेंट होता है. सो दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी. एक्टिविटी इज, टेक ए हैंडफुल ऑफ सॉयल इन ए जार. एक जार लेंगे उसमें हम एक मुट्ठी सॉयल डालेंगे. पोर वाटर इन टू इट, इसमें वाटर को डालेंगे. We will see bubbles. हम क्या देखेंगे? Bubbles, air bubbles आता हुआ दिखाई देगा हमें in the soil में. This happens because air trapped in the soil. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि soil में air present है इसलिए. In the form of bubbles, जो कि bubbles के रूप में आता है. This activity is so that soil contains air. Take
jar, put in the soil in a jar. After that, take a water, put it, add it into it soil. We see the air bubbles are occurred in the jar. Due to the presence of air trapped in soil, ऐसा क्यों होता है? एक जार लेंगे हम, उसमें थोड़ा सा सॉइल डालेंगे, फिर उसमें वाटर डालेंगे तो हमें एयर बबल्स आते हुए दिखाई देंगे. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रैप्ड एयर इन द सॉइल. क्योंकि सॉइल में एयर प्रेजेंट होता है, इसलिए जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो हमें बबल्स के रूप में दिखाई देता है. दिस एक्टिविटी शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज हाउ विल यू सो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर. आप कैसे सो करेंगे कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है? टेक ए कंटेनर, दैट इज ए कंटेनर, फिल इट विद सम सॉइल. इसमें क्या लेंगे? सॉइल. And cover it with a lid. इसको हम एक lid से cover कर देंगे. And heat the container over a low flame. Heating at low flame. Low flame पर इसको heat करेंगे. For some time. कुछ समय के लिए. It with a lid. No lift the lid. After heating के बाद no lift the lid. Lid को उठाएंगे. कंटेनर से तीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन द लिड. तीनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन द लिड. लिड पर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगे. दिस प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स एयर. ये क्या शो कर रहा है? सॉइल कंटेन्स एयर. एयर में सॉइल प्रेजेंट है. टेक ए कंटेनर, पुट इन द सॉइल इन इट, कवर इट विद अ लिड. Heat on the low flame for some time. After that, lift the lid. We are see on the water droplets on the lid. This activity is so that soil contains water. Question number 4. Let's see the next question. Question number 4 is, write two qualities each of sandy and clay soil. आपको sandy और clay soil के दो qualities. First, sandy soil. There is a lot of space between the particles of sandy soil. Sandy soil के बीच में बहुत ज्यादा space होता है. Second quality is a sandy soil cannot hold much water, but it can hold air. Sandy soil में water जो होता है वो hold नहीं होता है, लेकिन it can hold air. लेकिन इसमें बहुत ज्यादा air होता है. इसलिए हम लोग जब बालू में किसी bottle को पानी भर के गाड़ दीजिए उसमें, तो क्या होता है? वो bottle का पानी ठंडा रहता है. क्यों? क्योंकि उसमें एक sand के बीच में air space इतना होता है कि वो heat नहीं हो पाता. और यही वजह है कि heat एयर जो होती है सैंड, जितनी जल्दी वो हीट होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें एयर स्पेस होता है. सेकेंड है क्ले सॉइल. इट इज वेरी स्टिकी एंड वेरी फाइन. ये बहुत ही चिपचिपा होता है और बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके. सेकेंड क्वालिटी ऑफ क्ले सॉइल इज दे कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर. सैंडी सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन क्ले सॉइल क्या, दे कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर. वाटर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 5, सी इन योर बुक, विच सॉइल हेल्प प्लांट टू ग्रो बेटर. 1, कौन सा सॉइल प्लांट के लिए बेटर होता है और क्यों? लोमी सॉइल हेल्प्स प्लांट टू ग्रो बेटर बिकॉज इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर. लोमी सॉइल प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें वो पर्याप्त मात्रा में एयर और वाटर को होल्ड किया होता है, मतलब एयर और वाटर इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई इज सॉइल इम्पोर्टेंट फॉर अस. सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स
वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स. सॉयल जो है प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ और लाइफ को सपोर्ट करता है. पर एंड्रॉइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स के लिए घर भी होता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. लाइक एट वर्म्स, इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल्स. वर्म्स मतलब अर्थवर्म है, इंसेक्ट है, टर्टल है, वो फ्रॉग है, स्नेक है, ये सभी सॉयल में रहते हैं. तो ये सॉयल को, एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है अर्थ पर, और ये वाटर और मिनरल्स प्लांट को प्रोवाइड करता है. इन दिस वे सॉयल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट. देयर इज योर रिटन वर्क इज कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू all exercise of the chapter 4. Okay, bye bye.